गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारा चौथा पाठ देखने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है मन भावन सागर। ये जो है एक कविता है, इस कविता को आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो कविता है मन भावन सावन, इस कविता की जो कवि है, इस कविता की जो कवि है वो है सुमित्रा नंदन पर। इनका जन्म जो है 20 मई 1900 में को हुआ है, और कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। और ये जो है उमायूं गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है उत्तराखंड में। और जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनका जो बचपन है ये कौशाली की खूबसूरत वादियों में प्रकृति के बीच बीता है। इन्होंने जो है अपनी कविता में जो है प्रकृति का अत्यंत सुंदर तथा मनमोहक जो है मनोरम वर्णन किया है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। जो सुमित्रा नंदन पंत है इन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है। और पंत जी जो है 7 वर्ष की छोटी आयु से ही कविता लिखने लगे थे। इनकी कविताओं में प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य का भी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। छायावादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जो कि रश्मिबंध है, एक ग्राम्या, गुंजन, चिदंबरा आदि, ये जो है इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं हम। ये जो कविता है हमारी मन भावन सावन, ठीक है, ये जो कविता है इस कविता को शुरू करते हैं। देखिए, इस कविता में जो है जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है क्या बताया है वो आज देखने वाले हैं। तो देखिए, मन भावन सावन कविता में सुमित्रा नंदन पंत जो है इन्होंने सावन में बरसते मेघों का बहुत सजीव वर्णन किया है। मेघों के बरसते ही पेड़ पौधे मस्त होकर झूमने लगते हैं, पशु पक्षी भी आह्लादित हो उठते हैं, धरती का कण कण वर्षा के जल का स्पर्श पाकर तृप्त हो जाता है। कविता में ध्वनि सूचक शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य द्विगुणित हो गया है। वह कविता एकता तथा जीवन में खुशियों के रंग भर जाने का संदेश देती है। तो देखिए, ये जो मन भाव सावन कविता है, इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है सावन में जो बरसते जो बादल है उनका जो है बहुत ही सजीव वर्णन किया है। जीता जागता वर्णन इस पाठ में किया है। और मेघों के बरसते ही जो है बादलों के बरसते ही जो है पेड़ पौधे जो है मस्त होकर जो है झूमने लगते हैं, ऐसा जो है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से कहते हैं हमसे। और पशु पक्षी भी जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और धरती का जो कण कण है वो वर्षा की जो बूंदे उसके ऊपर जब गिरती हैं तो वो जो है बहुत ही ज्यादा तृप्त हो जाती है। और इस कविता में जो है ध्वनि सूचक शब्दों के प्रयोग से जो है कविता के अंदर जो है सौंदर्य द्विगुणित करने का प्रयत्न किया गया है। और इस कविता में जो है एकता तथा जीवन में जो है खुशियों के रंग भर जाने का जो है संदेश इस कविता के माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी कविता। मन भावन सावन, कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिखरी चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तर पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप धरती टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल को ताली दे दे चल दल,
झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खन फूल गाते मंगल। ये जो है कविता, यहाँ तक आज हम देखने वाले। तो देखिए जो कविता की जो पहली पंक्तियाँ है वो झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उड़ने घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने जो है सावन के मौसम का जो है अत्यंत सुंदर और सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जो सावन है वो मन को भाने वाली ऋतु है, ये जब आती है तो झमझम बरसती बूंदे पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर गिरती है, ऐसा लगता है कि बादलों के हृदय में बिजली चमक रही हो, बादलों की लुका छिपी से दिन में भी कभी कभी अंधियारी जो है अंधियार जो है हो जाता है और मन में सोए सपने जाग उठते हैं, ऐसा जो है कवि यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको नए शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है, जैसे कि बूंदे, उसके बाद आए हैं अगला शब्द है तरुणों, उसके बाद जो है पंखों से, और ये जो है यहाँ तक के उंगलियां हैं, ये शब्द है। उसके बाद जो है अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है वो है बिहवल और हर सिंगार प्रतिपल, ठीक है, हंसमुख, ये जो शब्द है आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए इन पहली पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें बताया है कि जो सावन का जो मौसम होता है, ये सावन की जो ऋतु होती है ये बहुत ही प्यारी ऋतु होती है, सबके मन को भा लेने वाली ऋतु होती है, सभी को जो है ये पसंद होती है। जब ये आती है सावन की ऋतु, तो जो है बारिश की जो बूंदे है वो झमझम करके जो है बरसती है, और जो है वो जो बारिश की बूंदे हैं वो छन छन करके छम छम करके जो है पत्तियों पर जो है गिरती है, ऐसा जो है कवि हमें बताता है। और कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बादलों के हृदय में, बादलों के दिल में जो है बिजली चमक रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, और बादल जो है लुका छिपी हमसे खेलते हैं दिन भर, है ना, कभी बादल जो है छा जाते हैं और कभी जो है बादल आसमान से जो है गायब हो जाते हैं, इससे भी ये पता चलता है कि बादल हमारे साथ क्या है, कभी कभी लुका छिपी भी खेलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बादलों के घिर आने से जो है आसमान में चारों तरफ जो है अंधियारा छा जाता है, और जब अंधियारा छा जाता है तब जो है हमारे मन में जो है अनेक सपने जगने लगते हैं, और जब बिजली चमकती है तो हमारा दिल जो है कभी कभी धड़कने लगता है, घबराने लगता है ना, तो बिजली की जो आवाज है वो सुनकर हम जो है कभी कभी हमारे जो है अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन जब बारिश की बूंदे छमछम करके जो है झमझम करके जो है गिरती है पत्तियों के ऊपर, उसका आवाज जो है छमछम ऐसा आता है, ऐसा ये जो है कवि कह रहा है। और जब बादल घिर आते हैं तो हमारे मन में जो है अनेक सपने जो है जगने लगते हैं, ऐसा कवि हमसे कह रहा है। आगे देखिए, पंखों से फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, करतल पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। तो देखिए इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ताड़ के वृक्षों की जो चौड़े जो पत्तियां होती है उन पर जब तड़तड़ करती पानी की धार पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो लंबी लंबी उंगलियों से होकर बूंदे झिलमिलाती हुई गिर रही है, ठीक है, ऐसा जो है प्रतीत होता है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि तारों के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते, ताड़ के वृक्ष के पत्ते जो होते चौड़े होते हैं और उनके ऊपर जब बारिश की जो
बूंदों को पानी की जो धार गिरती है तो उससे जो है तड़तड़ ऐसा आवाज आता है। और ये जो बारिश की बूंदे गिरती है, जो तड़तड़ आवाज होते हुए जो पानी की धार गिरती है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसकी जो उंगलियां वो कैसी हो गई हो, लंबी लंबी हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आगे देखिए, टपटप धरती कर मुख से जल बूंदे जलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कर करीब बढ़ती प्रतिपल। अब देखिए यहाँ पर कवि हमसे कहते हैं कि जो सावन होता है उसमें ऐसा लगता है मानो बादलों का जो है ताली देकर जो है मतवाला हो कर जो है नाच रहा हो, नीम का जो वृक्ष होता है वो सुख से भरपूर झूमने लगता है, लगा हो हर श्रृंगार के फूल जो है झड़ने लगते हैं और बेला की कली जो है प्रतिपल जो है बढ़ती जा रही है, ऐसा जो है हमें लगता है। और अंत में जो है पंक्ति में कहते हैं हसमुख हरियाली में खरगुल राते मंगल, इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर लुभावने वातावरण में पक्षी जो है दल मानो मंगल गान, पक्षी दल जो है मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल गान जो है गाने लगे हैं। ठीक है, ऐसा जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, ठीक है आप जो है हम इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखते हैं। तो देखिए इस पाठ में आए हैं नए शब्द है पूर यानी क्या हृदय, घन यानी बादल, तार यानी वृक्ष का एक नाम है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है तार, और विह्वल यानी अतिरेक का भाव, खरगोल यानी पक्षियों का समूह, और ये जो नए शब्द है ये जो हैलेट करके दिए गए शब्द है पूरे कर्मो पक्ष पंखों से उंगलियां विह्वल हर श्रृंगार प्रतिपल हंसम। ठीक है, ये जो शब्द है ये आपका जो है क्लास वर्क है, ठीक है, और ये जो शब्द है ये आपका होमवर्क है, इसे जो है आपको तीन बार होमवर्क में लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हमने जो अधिक कविता हमने देखी है, आगे की जो कविता है वो हम हमारे अगले भाग में देखेंगे। ठीक है।